फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, आज जो पोस्टर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक बड़ा ही डिफरेंट है और आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इस पेपर का साइज़। ये हाफ हैंडमेड पेपर है, इट मींस 22x30 का हाफ 22x15, और इसमें मैं 000 ब्रश से ये वर्क कर रही हूँ। फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसका जो टॉपिक मैं आज बनाने वाली हूँ वो है यशोदा माँ और कृष्ण की लीला। हम सब जानते हैं कि यशोदा माँ के पास हमेशा जो गोपियाँ थी वो ये शिकायत लेके आती थी कि उनके कान्हा ने उनकी मटकी फोड़ दी और माखन चुराया। तो यशोदा जी ने एक बार गुस्से में आकर कान्हा जी को ओखली के साथ बांध दिया था। तो आज उसी सीन को मैंने इसमें क्रिएट किया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस पोस्टर को पूरा देखेंगे और पसंद भी करेंगे। अभी जो बॉर्डर मैं बना रही हूँ ये लगभग 1 इंच चौड़ा बॉर्डर है, और इसमें मैंने फूल का डिज़ाइन क्रिएट किया है। उसके लिए मैंने पेंसिल से लाइटली क्रॉस का डिज़ाइन बनाया था, और फिर उन सारे क्रॉस की जो लाइनिंग्स थी उस पर मैंने ये लीफ का डिज़ाइन ड्रॉ किया, जिसके कारण फूल का पैटर्न उभर के आया है। अब मैंने उस लाइन को बाहर से डबल किया है, और उस डबल लाइनिंग में मैं निब से कचनी कर रही हूँ। निब से इन पूरी डबल लाइनिंग्स को मैं कचनी करके इस बॉर्डर के ब्लैक के वर्क को कंप्लीट करूँगी, जो कि अब आप देख रहे होंगे कि कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मैं बना रही हूँ वो है यशोदा जी। फ्रेंड्स, इस पूरे सीन को मैंने पेंसिल से लाइटली पहले स्केच किया है, जिसमें मैंने दो गोपियों को फूटी हुई मटकी दिखाते हुए शिकायत करते हुए बनाया है, और यशोदा माँ को कान्हा को ओखली में बांधते हुए दिखाया है। पीछे का जो सीन मैं बना रही हूँ उसमें मैंने आंगन जो है उसे क्रिएट करने की कोशिश की है, यानी ये जो कुछ हो रहा है ये सब आंगन में घटित हो रहा है, और पीछे मैंने मकान का दृश्य दर्शाया है। तो एक एक करके अब मैं सारे कैरेक्टर्स को ड्रॉ करूँगी, और उसके बाद जो है बैकग्राउंड के एरिया में मैं वर्क करूँगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी वो है ब्लैक का टोटल वर्क। ब्लैक से जो भी वर्क मैं करने वाली हूँ उसे मैं पहले कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि आप में से जो लोग भी इसे देखकर सीखते हैं या मेरे साथ बनाने की कोशिश करते हैं वो भी अपना उतना वर्क कंप्लीट कर लें, और उसके बाद फिर जब मेरा कलर का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ कलरिंग का जो मेरा वीडियो होगा उसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप उसे भी ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया आए कि इसमें मैंने कलर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज़ किया है और कैसे किया है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के डिफरेंट होने के साथ साथ मैंने इसमें एक और चीज़ डिफरेंट की है, जो कि है लाइन पेंटिंग। अक्सर अभी जो मैं कुछ दिनों से आपके साथ पोस्टर्स शेयर कर रही थी उसमें मैं ज़्यादातर में कलर फिलिंग का यानी भरनी का वर्क कर रही थी, लेकिन इस पूरे पोस्टर में मैं केवल और केवल कचनी का ही वर्क कर रही हूँ, और बहुत छोटी छोटी जगहों पे जैसे बालों में या फिर कपड़ों के कुछ पैटर्न्स में ही फिलिंग का वर्क करूँगी। अदरवाइज़ पूरी पिक्चर में मैं केवल कचनी का वर्क करने वाली हूँ। तो हम इसे सही मायने में लाइन पेंटिंग भी कह सकते हैं, और ये फुल कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी देखने में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे पहले की वीडियोस को भी देखते और पसंद करते हैं पर पता नहीं क्यों उसे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वो इस पोस्टर को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मेरे पहले की और आने वाले वीडियोस को देखेंगे भी और सीखेंगे भी। फ्रेंड्स, अभी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो है कान्हा जी, जो कि बाल्यावस्था में है कान्हा जी, और अपनी माता का जो है उन्हें ओखली में बांधने में कहीं ना कहीं अपनी माता को योगदान दे रहे हैं। उन्होंने अपने बाहों को ऊपर उठा लिया है ताकि उनकी माँ को उन्हें ओखली में बांधने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब पेरेंट्स बच्चों को पनिश करने लगते हैं तो कई बार बच्चे इधर उधर दौड़ने या छिपने लगते हैं, पर यहाँ उसका एकदम उल्टा हो रहा है। माँ जो गुस्से में है शिकायतें सुनकर
वो सजा दे रही है और पुत्र जो है वो उनका पूरा योगदान कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कान्हा की जितनी भी हरकतें कह सकते हैं, हम उन्हें उनकी जितनी भी हरकतें हैं उन्हें हम लीला के नाम से जानते हैं। इसीलिए कृष्ण द्वारा की गई हर प्रकार के काम को हम कृष्ण लीला के नाम से जानते हैं, चाहे वो रास हो और चाहे वो गोपियों संग की गई उनकी कोई भी जो एक्टिविटी हो या फिर अपनी माता के साथ बिताया हुआ जो भी समय हो, तो उसे हम अपने पौराणिक जो हमारी कथाएं हैं उसमें हम उसे कृष्ण लीला के नाम से ही उल्लेखित भी करते हैं और जानते भी हैं। यहाँ पर कान्हा जी मुस्कुराते हुए बंधने को तैयार हैं, क्योंकि वो अपनी माता को ये जताना चाहते हैं कि आप नाहक ही गोपियों की बात में आके परेशान होती हैं, ये बस मुझे देखने आ जाती हैं, वरना मैं इनका कोई भी नुकसान नहीं करता। यानी वो ये जताना चाहते हैं कि आप सजा दे रहे हो तो दे लो, पर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो है गोपी जो कि शिकायत कर रही है। यहाँ मैंने दो गोपियाँ बनाई है, जिसके एक गोपी के हाथ में, निचले हाथ में मैंने घड़ा बनाया है जिसकी पेंदी फूटी हुई है, और एक गोपी इसी गोपी के पीछे मैं ड्रॉ करूँगी जो अपने सर पर मटका लिए खड़ी हैं और मटका उनका भी फूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस दृश्य को देखने के बाद देखने वाले को सहर्ष ही ये पता लग जाएगा कि ये जो पूरा पोस्टर है वो किस घटना को दर्शा रहा है, जिसमें दो गोपियां हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि यशोदा का कान्हा उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। माता परेशान हो गई है शिकायतें सुन सुनकर, इसीलिए कान्हा जी को ओखली में बांध रही हैं कि ना ये खुला रहेगा और ना किसी को नुकसान कर पाएगा, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। तो ये पूरा जो सीन है वो बनने के बाद आप खुद मुझे कमेंट के थ्रू बताएं कि आपको कैसा लगा। अभी जो मैं ब्लैक का वर्क आपके साथ शेयर करूंगी, उसे आप भी बनाने की कोशिश करें। ये बहुत सिंपल वे में बन जाता है, स्टेप वाइज बनाने पे ये उतना टफ नहीं है। आप पहले इसे छोटे पेपर पे ट्राई कर सकते हैं, और इन केस आप बहुत दिनों से बना रहे हैं तो आप इसे बड़े पोस्टर पर भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आप में से हर सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली के मेंबर्स जो हैं, उनकी हर प्रश्न का उत्तर देने का, उनके हर प्रोत्साहन को मैं बहुत ही सहर्ष हृदय के साथ स्वीकार करती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मुझसे कुछ पूछते हैं या फिर कुछ बनाने के लिए मुझे कहते हैं कि आप ये बनाएं तो हम भी बनाना चाहते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उसके लिए प्रयासरत भी रहती हूँ। फ्रेंड्स, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पूरे पोस्टर को ज़रूर देखें और बनाने की कोशिश भी करें। मेरे जो भी नए फ्रेंड्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर उन्हें मेरा काम पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आप सबका साथ, आप सबका प्रोत्साहन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मेरी मदद कर रहा है और नई नई चीज़ें सोचने में, नए नए थीम सोचकर बनाने में भी मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है कि मैं उन्हें बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी नई नई चीज़ें बनाएं, जानें, सीखें और मिथिला पेंटिंग की खूबसूरती को महसूस कर सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीछे खड़ी जो गोपी होगी उसके सर पर रखा है मटका जो कि फूटा हुआ है। इस गोपी को पूरा ड्रॉ करते हुए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है। तो जैसे मैंने आगे की गोपी ड्रॉ की है, कमर से नीचे का हिस्सा सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। ऊपर का हिस्सा डिफरेंट था क्योंकि इसमें हाथ की जो पोजीशन थी वो अलग थी, इसीलिए मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। नीचे लहंगे और दुपट्टे का जो पोर्शन था वो सेम ही था, इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। और अब जो है वो मैं डिज़ाइनिंग का वर्क कर रही हूँ, और ये कंप्लीट होने के बाद, यशोदा जी और कान्हा जी के कपड़ों का पैटर्न कंप्लीट होने के बाद, डिज़ाइनिंग का वर्क कंप्लीट होने के बाद, मैं बैकग्राउंड में ब्लैक का वर्क स्टार्ट करूँगी।
फ्रेंड्स, हमारे गांव घर में जैसे मकान होते हैं, मैंने वैसे ही मकान का लुक दिया है। पीछे आंगन में जो मकान है वो उसका बरामदा है, जिसकी मैंने लाइंस बनाई हैं यशोदा जी और कान्हा जी के पीछे। उसमें हम ईंट का पैटर्न बनाएंगे और फिर ऊपर बरामदा है और सामने जो दीवार है उसमें खिड़कियां बना रही हूँ मैं, और ठीक ओखली के ऊपर मैं गेट को बनाऊंगी, जिससे देखने से ऐसा प्रतीत होगा जैसे ओखली के जस्ट पीछे इस मकान का गेट है, जिसे हम हिंदी में प्रवेश द्वार कहते हैं। फ्रेंड्स, छत पर मैं दो छोटे छोटे मोर ड्रॉ कर रही हूँ और छत की जो डिज़ाइन होगा उसमें मैं खपड़ा, गांव घर में जो मकान हमारे होते हैं उस पर मिट्टी का के खपड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें भट्टी में तपाया जाता है और उसके बाद छत पे उसे लगाया जाता था। पुराने समय में जो मकान बनते थे वो वैसे ही बनते थे। अभी मैं सिक्के पे लटका हुआ घड़ा बना रही हूँ। इसे गांव घर में मिथिला में स्पेशली सिक्का ही कहते हैं। ये एक होल्डर टाइप का होता था जो जूट की रस्सी से बुना जाता था। इसमें पहले एक बेस बनाया जाता था जिसपे घड़ा टिक सके, और उसके बाद उसी जूट से अगल बगल में होल्ड करने के लिए रस्सियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें छत की रिंग में लटकाया जा सके। तो अभी मैं छत का पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, और अब आप जैसा देख पा रहे हैं मैंने पीछे वाली दीवार में ईंट का पैटर्न बना दिया है ब्लैक कलर से। और अब जो थोड़ा बहुत कपड़ों की डिज़ाइनिंग का वर्क बचा हुआ है मैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ, और तब हमारा ब्लैक का वर्क अब कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे देखें, बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। कलर्ड पार्ट को देखने के लिए सेकेंड पार्ट ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।